भाई मैं 1,00,000 क्वेश्चन कर दूंगा, 10,000 क्वेश्चन करने हमें 2 साल के अंदर, तो यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपका डिसीजन है, आपके मन में आया कि नहीं सुनना, आप बंद कर दोगे। ये सबके साथ होता था भाई, हमारे साथ भी होता था, बिलीव मी, ठीक है। लेकिन वहां से भी निकल आए ना यार, वहां से भी निकल आए ना। हमसे भी कुछ अच्छे बच्चे थे जिनकी और अच्छी रैंक आई ना, स्कूल से ही आई ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गई ना। तो आपके पास उदाहरण है कि होता है। अब बात यह है कि आप उस तरीके से बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या नहीं, डिसीजन आपका होता है यार। सभी बच्चों को यहां पर पता है क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है, लिटरली बता रहा हूं, अभी फालतू कमेंट भी देख रहा हूं मैं। सभी को पता है कि ये करने से नुकसान होगा, मेरा ही होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी अपने आप को नहीं मना पाते कि भाई ये नहीं करना है, जो मेरे लिए सही है उसको मुझे करना है। आप अपने आप को जब कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, मैं बता रहा हूं दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता। लेकिन बात यह है कि आप इतने समझदार तो बनो कि आपको ये पता रहे कि हर डिसीजन आप ही ले रहे हैं अपने लिए। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपका डिसीजन है, आपके मन में आया कि नहीं सुनना, आप बंद कर दोगे, समझ रहे हो। अगर आप ऑफलाइन में जा रहे हो, आपके मन में नहीं आया, टीचर को नहीं सुनोगे, देखोगे जरूर, सुनोगे नहीं, तो डिसीजन आपका है। जबरदस्ती 2 many न्यूमेरिकल्स टारगेट बना लेते, 250 क्वेश्चन करेंगे, क्लास के 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे। ऐसा टारगेट अपने ऊपर मत सेट करिए जो आपको दुखदाई हो। अगर आप ऑन एवरेज 10-12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 1 घंटे में, तो टारगेट बनाइए 14 का, 15 का, धीरे धीरे उस स्कोप में बढ़ाइए, ठीक है। एनालिसिस आफ्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है आपने क्वेश्चन करा, सॉल्व करा, आंसर मैच हो गया तो बल्ले बल्ले दोबारा मुड़ के नहीं देखा क्वेश्चन को। फिजिक्स में ये ज्यादा होता है कि आप क्वेश्चन करते हैं, आपका आंसर आ गया, आप खुश हैं, 2-3 महीने के बाद या 1-2 दिन के बाद आपका दोस्त आपसे वो क्वेश्चन पूछता, आपको याद ही नहीं आ रहा होता आपने किया क्या था। ये है ना, इसीलिए आपकी स्पीड बढ़ क्यों नहीं पा रही, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एनालिसिस नहीं कर रहे। आपने हो सकता है क्वेश्चन को करा, लेकिन आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आपने करा क्या। आप लाइफ में गलतियां कर रहे हैं ना, मैं क्यों कहता हूं भैया पीछे याद करो आपने क्या गलतियां करी। जब तक आप पीछे से नहीं सीखोगे तो आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाओगे। दिस इज योर लर्निंग फेज। आप अपने क्वेश्चन को देखिए कि आपने क्या किया, क्यों किया। और मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन से बेटर है कम क्वेश्चन को इफेक्टिवली करना। कुछ लोगों के दिमाग में भर रखा है कि भाई मैं 1,00,000 क्वेश्चन कर दूंगा, 10,000 क्वेश्चन करने हमें 2 साल के अंदर। नहीं भैया, आपको लिमिटेड गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, वो आपका रैंक बनाते हैं, ठीक है। तो आप अपने जो भी क्वेश्चंस करते हैं, जब भी आपका रिजल्ट आता है, प्लीज उसको एनालाइज करिए कि क्या इसको मैं जनरल फॉर्मूला बना सकता हूं, क्या इसको मैं यूज कर सकता हूं, क्या इस फॉर्मूले को याद रखना मेरे लिए बेनिफिट है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, जनरलाइजिंग द रिजल्ट्स बहुत मैटर करता है। क्या आप पैटर्न बना रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये करना है। अगर आपको एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं आ रहा तो आप दोबारा समय व्यर्थ करोगे ना, इसलिए कह रहे हैं एक बार अच्छे से पढ़ो, टाइम लेके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, ठीक है। 2 साल का टाइम मैं मानता हूं क्रंच होता है, लेकिन क्रंच इसलिए होता है क्योंकि आप मैनेज नहीं कर रहे। अगर आप मैनेज करना ढंग से कर जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास टाइम की कमी पड़ेगी चीजों को पढ़ने के लिए, बिल्कुल नहीं होता, सफिशियंट टाइम होता है। बस वही बात है, आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा कहां से। आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको स्कूल की अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। कई बच्चों को मैं कमेंट करता हूं, स्कूल हमें तंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो भाई आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो एक अपने करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। आपको दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। जो बच्चा अच्छे से मैनेज करेगा उसी की रैंक है। आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे, ठीक है भाई। ये जो आपकी रैंक आ रही है, नो डाउट एक इंटेलेक्ट मैटर करता है कि आप उस तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहे हैं नहीं कह पा रहे हैं, ये मैटर करता है। लेकिन वो कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए मैटर करता है। 500 बच्चे होंगे, अगर आईटी में हर साल 10,000 बच्चे जा रहे हैं तो 500 ऐसे होंगे जो इंटेलेक्ट की वजह से जा रहे हैं, और मेजॉरिटी बच्चे मैनेजमेंट की वजह से जा रहे हैं, अपने मोटिवेशन और डिसिप्लिन की वजह से जा रहे हैं। आपको ये बात नहीं समझ आ रही, आप हमेशा अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से सोचते हो, यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। अरे टाइम मैनेज करो ना ढंग से, होमवर्क मैनेज करो ना ढंग से, स्कूल मैनेज करो ना ढंग से। अगर आप इन दोनों चीजों को ढंग से मैनेज कर जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दिस जो आपकी ये बड़ी लंबी सी लड़ाई दिख रही है ये बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर आपका स्कूल में टाइम वेस्ट होता है तो आप यूटिलाइज करिए, उस पर क्वेश्चन लगाइए,